पहले पानी लेंगे। अब हम इसी पानी में अदरक का टुकड़ा, लीमू, नमक, नमक तक हमने हाफ टी स्पून लिया है, एक चुटकी अजवाइन और एक स्लाइस्ड ग्रीन चिली ऐड कर देंगे। कवर कर देंगे और इसको बॉयल आने तक पकाएंगे। पानी में बॉयल आ गया, अब हम इसमें गोभी ऐड कर देंगे। गोभी को ना हमने बॉयल नहीं करना बल्कि ब्लांच करना है। 5 मिनट हो गए हैं और जो हमारी गोभी है वो ब्लांच हो चुकी है। अब हम इसको स्टेन कर लेंगे। अब हम ऑयल लेंगे और एक अदद प्याज डालेंगे। ये प्याज बड़ी प्याज थी, ठीक है, और इसको मैंने स्लाइस कर लिए। प्याज़ों का कलर चेंज हो रहा है। अब हम इसमें चिकन ऐड कर देंगे। चिकन आधा किलो से थोड़ा सा कम है। अब हम नमक ऐड करेंगे। नमक यहाँ पे मैंने हाफ टी स्पून ऐड किया है। 1 चम्मच हम लहसुन अदरक और ग्रीन चिली का पेस्ट ऐड करेंगे। इसी तरह से हर एक चीज़ को मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर हमारे जो चिकन का है कलर जो है ना वो बहुत अच्छे से चेंज हो चुका है। अब मैं एक मीडियम साइज़ के टमाटर ऐड कर दूँगी। अब हम साबुत मसाला ज़्यादा ऐड करेंगे, तो मैंने 1 टीस्पून ली है चिली फ्लेक्स, 1/2 टीस्पून लिया ज़ीरा पाउडर, 1/2 टीस्पून ही लिया है धनिया पाउडर और 1/2 स्पून मैंने लिए हैं हल्दी पाउडर। मिक्स करेंगे, थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे ताकि जो हमने मसाला ज़्यादा ऐड किया है वो जल ना जाए। अब यहाँ पे मैं आलू ऐड कर दूंगी। आलू ऑप्शनल है, वैसे 2 मैंने दरमियाने साइज़ के आलू लिए थे। वैसे आलू का सब्ज़ी के साथ वही रिश्ता है जो टॉम का जैरी के साथ है, ना तेरे बिन रहा जाए ना तेरे बिना रहा जाए, कि आलू डाले बगैर भी गुजारा नहीं होता। और फिर हर सब्ज़ी देख के ये भी कहा जाता है ओ इसमें भी आलू डाल दिए। तो आलू एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसी सब्ज़ी है जो सबके साथ कंफर्टेबल है, आसानी से एडजस्ट हो जाती है। इवन मैं सोच रही थी कि अगर मैं किसी दिन दाल बनाऊँ तो मैं उसमें भी आलू डालने की ट्राई करूँ। अगेन से हम इसको कवर कर देंगे और 5 मिनट के लिए पकाएंगे। आपने अक्सर देखा होगा कि मैं जब भी कोई भी चीज़ पका रही होती हूँ उसको कवर करके रखती हूँ। उसको कवर करके पकाती हूँ। इसकी रीज़न एक तो ये होती है कि जो मॉइस्चर है ना वो अंदर ही रह जाता है, स्टीम सी बनती है, स्टीम से खाना बहुत अच्छा बनता है। क्योंकि जब आप अनकवर करके कोई भी चीज़ पकाते हैं तो आपको एक्स्ट्रा पानी ऐड करना पड़ता है, जिसकी वजह से जो फ्लेवर है ना वो मास्क हो जाता है, कम हो जाता है। इसके अलावा जैसे सब्ज़ियाँ होती हैं, सब्ज़ियों की शेप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अगर सब्ज़ियों की शेप बरकरार ना रहे तो वो सालन चाहे खाने में कितना ही बेहतरीन क्यों ना हो, लेकिन अगर वो चीज़ आँखों को अच्छी ना लगे तो आपका दिल भी नहीं करता वो खाने को, और खाना पक भी जल्दी जाता है। इसके अलावा मैं जो आँच है ना वो हमेशा या तो मीडियम रखती हूँ या मीडियम से थोड़ी कम रखती हूँ। इससे ये होता है, एक तो सालन जलता नहीं है, दूसरा आप जब भी स्लो हीट पे कोई भी चीज़ उसका फ्लेवर ज़्यादा आता है एज़ कम्पेयर टू अगर आप तेज़ आँच पे पका रहे हो। तो ये 2 टिप्स हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपका खाना अच्छा बने तो ये 2 टिप्स ज़रूर अपने जहन में रखें। और इस तीसरी चीज़ जो इसका फ़ायदा हमें होता है कि हमारी ना गैस की बचत होती है। ऑफकोर्स जब हम कवर करते हैं तो स्टीम अंदर ही रहती है, स्टीम जल्दी से खाने को पका देती है, उसमें भी एनर्जी होती है, तो फिर जो गैस है ना वो भी कम यूटिलाइज होती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं आलू हमने डाल दिए थे, अच्छे से ये भून चुके हैं। किसी भी सालन के भुनने की निशानी जो होती है ना वो ये होती है कि उसका तेल निकल है, सारा तेल निकल है, ठीक है। हमारी आँच ऑलरेडी स्लो थी, इसको हमने मज़ीद स्लो कर लिया है, दम वाली आँच कर ली, क्योंकि इस पॉइंट पर अब हम इसमें दही डालने लगे। ये भी टोटली ऑप्शनल है, लेकिन अगर आप डालेंगे तो बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। आँच दोबारा से थोड़ी सी तेज़ करेंगे
और 3 से 4 मिनट के लिए फिर इसको दम पे पका लेंगे ताकि जो दही का कच्चापन है ना वो ख़त्म हो जाए। सालन का आप कलर देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त है। अब हम इसमें ब्लांच की गई गोभी ऐड करेंगे और बहुत एहतियात से इसको मिक्स करेंगे। ब्लांच का मतलब होता है बॉइलिंग वाटर में किसी भी सब्ज़ी को ब्रीफ टाइम के लिए कुक करना, जिसमें वो बॉयल नहीं होती। ठीक है, यहाँ पे मैंने हर एक चीज़ को मिक्स कर ली है और कवर करेंगे और दम वाली आंच पे तकरीबन 10 मिनट के लिए पकाएंगे। हम ढक्कन को रिमूव करेंगे, आराम से हम ना मिक्स करेंगे ताकि जो हमारी गोभी है ना वो टूटने ना पाए। अब हम इसमें गरम मसाला ऐड करेंगे और ग्रीन चिलीज। अब हमने इसको मैक्सिमम 2 मिनट के लिए पकाना है ताकि जो हमारे गरम मसाले का कच्चापन है ना वो भी चला जाए और गरम मसाले का अरोमा भी आ जाए। मज़ेदार गोभी आलू गोश्त तैयार है। उम्मीद है आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आई होगी, तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल बटन बजाएं ताकि जब भी मैं कोई नई रेसिपी अपलोड करूं तो आपको फ़ौरन से उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। मेरी वीडियो को शेयर करें और इस वीडियो को लाइक भी करें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह।